मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और जो मेरी जो शुरुआत है वो मैं आज से कद्दू के जूस के साथ कर रही हूँ, ये दिख रहा है आपको, और मैं इसको पीने वाली हूँ क्योंकि मैंने डाइट शुरू किया है। और मैं ये आपके साथ कंटिन्यू रखूँगी कि मैं मतलब क्या क्या रोज़ खाती हूँ लेती हूँ, ये सारा मैं आपको दिखाऊँगी। अभी मैं जल्दी से पी लूँ नहीं तो ये कड़वा हो जाएगा। क्योंकि फिर इसमें आंवला भी डाला था और आधा एक नींबू डाला था जो कि बहुत खट्टा हो गया, और खट्टा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ गोभी के पराठे। मैं अभी बनाऊँगी गोभी के पराठे। शिवम मुझे बहुत दिन से बोल रहा है मम्मी गोभी के पराठे बनाओ, गोभी के पराठे बनाओ। तो मैं सोच रही गोभी के पराठे बना लूँ, और फिर मुझे काम भी है, रिव्यू वीडियोज़ बनाने हैं तो उस पर भी काम करना है। तो गोभी को पहले मैं धो के उसको उसका पानी निचोड़ने के लिए छोड़ना पड़ेगा मुझे, फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी। और मैं अपने लिए बनाऊँगी लौकी और चना मिक्स करके बनाऊँगी। देखती हूँ क्या मतलब, चाहे सब्ज़ी बनाऊँ अलग से या चने की चपाती बना लूँ, उसको ग्राइंड, चने को फुलो के उसको ग्राइंड करके चितुआ टाइप का बना के उस तरीके से बना, मैं सोच रही हूँ वही बना लूँ। तो चलिए बनाते हैं और मैं दिखाती हूँ। मैं आपको गोभी लेती हूँ, ये रही गोभी, और कुछ गोभी इसमें कीड़े लग गए हैं तो जो अच्छे वाले हैं उसको लेंगे हम। और यहाँ पे रखूँगी इसको धोने के लिए, और इसको कट करना है मुझे। तो इसमें मैं क्या क्या डालूंगी मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। मैंने ये गोभी धो दिए, अब इसका सारा पानी निकलेगा, और मैं बना रही हूँ अपने लिए सब्जी कद्दू की। तो और ये मैंने कद्दू काटे हैं, ये मिर्च, ये कद्दू और हरी मिर्च ले लेती हूँ। हरी मिर्च तो बस हो गया। अब इसमें गैस में आग लगाऊं, इसमें थोड़ा सा डालेंगे तेल, बहुत ज़्यादा है ये। ये रही मेरी सब्जी, में मैंने टमाटर वगैरह सारा कुछ डाला है, मसाला भी डाला है मैंने क्योंकि चीनी मैंने छोड़ दिया है खाना, और डाइट पे हूँ तो फिर अभी स्टार्टअप है तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हमारा जो ब्रेन कहता है ये दो खाने को, ये दो खाने को, तो प्रॉपर वो चीज़ दे नहीं सकते। तो एक होता है कि समझाना, खुद को समझाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि नहीं ऐसे थोड़ा सा खाना है या नहीं खाना है, बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए अभी मैं स्टार्टअप में थोड़ा सा मसाला स्पाइसी लूँगी। और मैंने चपाती, ये दाल भिगो रखा है चने का और मसूर का, और इसकी मैं चपाती बनाऊँगी और फिर मैं खाऊँगी। और उससे पहले मैं एक सेब लेके खाऊँगी, लगता है सत्यम आ गया है क्योंकि वो लाइब्रेरी गया था, उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। सत्यम ये आ गया, और ये सुबह सुबह क्या किया, नहा के दही और चूड़ा खा के लाइब्रेरी चला गया था, और मौसम हो रहा है चेंज, बस इसको लग गई ठंड, अब इसके हो रहा सर में दर्द। तो अभी मैं इसके लिए चाय भी बनाऊंगी, और मैं अपने लिए भी चाय बनाऊंगी, उससे पहले मैं सेब खाऊंगी। और उसके बाद कॉल आ रहा है,
सिस्टम इतना बदमाश है, उसको पता है कि मैं ऑन कैमरा हूँ, तो मुझे दूसरे रूम में आके फ़ोन कर रहा है। मतलब आवाज़ नहीं लगा सकता तो फ़ोन कर रहा है, इतना वो है। तो बस हो गया, अब तब तक दाल थोड़े से फूल जाएंगे, फिर इसको मैं थोड़ा ग्राइंड कर लूँगी, फिर इसकी मैं चपाती बनाऊंगी और सत्यम शिवम मंगलम के लिए गोभी के पराठे बना दूंगी। ठीक है, तो सेब खाते हैं, बट मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल के खाऊंगी, क्योंकि अभी मेरा बहुत मन कर रहा है, क्योंकि मुझे भूख भूख सी लग रही बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए मैं इसमें नमक डाल के खाऊंगी। मेरा नमक और थोड़ा थोड़ा मेरी बेटी मार्केट गई थी अपने पापा के साथ, तो ये परफ्यूम लेकर आई है। इसका जो स्मेल है ना, ओडोनिल की तरह जो बाथरूम में लगाते हैं, मैं SFX वीडियो भी बनाऊंगी, बट आप लोग देखते नहीं हैं, और देखते भी हैं तो लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? करना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए मुझे आप लोगों का। आज मैं इसको वॉश करूँगी, ये इतना गंदा हो गया है, इतना गंदा हो गया है ये। मैंने 2 मेकअप कर लिए इससे एक ही दिन में, टैलेंट मेरा। जब आप डाइट पे होते हो ना, और आपकी जो डाइटिंग है वो 2-3 दिन जब कंटिन्यूटी में बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जब आपको कुछ भी मिले ना उस समय, मतलब बहुत अच्छा लगता है खाना, उबला हुआ दाल मिल जाए, उबली हुई सब्जी मिल जाए, ओहो ऐसा लगेगा कि हम स्वर्ग में आ गए। स्वर्ग का पूरा एहसास फीलिंग होता है उस समय जब हमें भूख लगती है, जो आत्मा में संतुष्टि और शांति मिलती है खाने से, तो वो एग्जैक्ट शांति होता है जब हमें बहुत जोरों की भूख रहती है और ऊपर से हम डाइट पे हो। अब ठंड भी आने शुरू हो गया, चलते हैं, चाय बनाती हूँ, सत्यम को भी देती हूँ, मैं भी देती हूँ, मैं कुछ देती नहीं हूँ, मैं पीती हूँ, सॉरी कुछ भी बोल देती हूँ, प्लीज़ आप लोग उस चीज़ को दिमाग में मत लीजिएगा। मैंने ये और सत्यम ये मैगी बना रहा है अपने लिए, मैं बना रही हूँ ये, और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं गोभी के पराठे बनाऊँगी। Thank you.
से जल गया, क्योंकि सब्जी चढ़ा के मैं फ़ोन चला लगा। हाँ तो खाने ही बना रही हूँ मैं, पराठे बना रही हूँ गोभी के। तो ये रहा गाइस गोभी कद्दूकस किया हुआ, और इसमें डालूंगी हरी मिर्च, बहुत सारी प्याज, सारा डाल देती हूँ क्योंकि प्याज बहुत अच्छा लगता है। और इसमें ये अजवाइन मंगरेला, और मैं इसमें क्या डालूंगी, आमचूर थोड़ा सा, आमचूर थोड़ा सा नमक, आटे में भी बहुत नमक डाल रखा है, गोभी में नमक ज्यादा डालने से ज्यादा पानी निकलता है, इसीलिए करो। मैंने रिव्यू वीडियो बना लिया है और अब रात हो गई है, तो अब मैं जा रही हूँ, रात का खाना बनाऊँगी, देखती हूँ बच्चे क्या खाएंगे, और उसके बाद मैं सोऊँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और जो मैं ये ग्लिटर लगा रही थी ना, ये ऑलरेडी यहाँ पे इतना मॉइस्चराइजर लगा था, वो मेरे दिमाग से उतर गया, और ये जब मैं इसका रिव्यू बना रही थी ये फैलता जा रहा था, इतना फैल गया ये कि अब इसको इकट्ठा करना मुश्किल हो रहा है मुझे। तो अब मैं इसको क्लेंजर से ही साफ़ करूँगी, काजल भी साफ़ करूँगी, सब कुछ साफ़ करूँगी। सो गाइज़, आपको ये मेरा छोटा सा मिनी ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिए। कमेंट तो आप लोग करते नहीं हैं क्योंकि आप लोगों ने करना नहीं है, मुझे पता है, तो फिर भी मैं बोलूँगी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो बाय बाय एंड गुड नाइट, मैं आपको मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में कल।